नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल भक्त में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल रोल एडिटिंग, कैसे ट्रिपल रोल एडिटिंग की जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी रही। थैंक यू दोस्तों। मास्टर ऐप ओपन होगी, उसके बाद कंटिन्यू टू ऐप, कंटिन्यू टू ऐप में आप गए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो तीन साइन मिल रहे हैं इस पर प्लस साइन पे क्लिक करना है। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद देन यू है आपको क्लिक करना है 16:9। जब आपने 16:9 क्लिक, यहाँ भी आपकी वीडियो है, आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। अगर मेरी जैसे कि ये वीडियो है, मैंने अनटाइटल्ड वन में है, यहाँ पे मैंने रिस्टोर्ड से वीडियो सेलेक्ट कर ली। अब क्या करना है आपको, वीडियो सेलेक्ट करके सबसे पहले जैसे ही वीडियो सेलेक्ट की, इधर ऊपर में ये तीन ऑप्शन आएंगे, जो वॉल्यूम का ऑप्शन है ये वाला, इसको सबसे पहले आपको वॉल्यूम लो कर देना है। लो करने के बाद ये टिक मार्क पे आपने क्लिक कर दिया। अब एक बार आपको वीडियो को रन करना है इस तरीके से, जैसे कि मैं अभी रन कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको वीडियो को एक बार पूरी वीडियो को रन करना है। इस तरीके से दोस्तों आप पूरी ये वीडियो रन करेंगे पहले। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये पूरी वीडियो रन कर दी है। अब सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट करूँगा। अब जिधर से मुझे क्रॉप करना है, तो आप वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ये कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट टू प्लेहेड, तो दोस्तों फिर ये टिक निशान पे। अब मुझे यहाँ से एडिटिंग करना है, ये वाला जो सेक्शन है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है। इस तरीके से वीडियो आपने रन कर दी, अब ये देखिए फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट वाले सेक्शन तक आप कंटिन्यू वीडियो को रन करके रखेंगे, जैसे कि मैं रन कर रहा हूँ। उसके बाद देन आपको इस पर डबल क्लिक करना है, देन यहाँ पर जाके स्प्लिट एट प्ले हेड, अब स्प्लिट एट प्ले हेड करके टिक कर देना है। अब यहाँ से फिर आपको डबल टिक करना है एंड कैंची के निशान पे करके आपको इस तरीके से आपने रन कर दिया। फिर आगे जहाँ तक ये सेकंड मिड में है, उसके बाद जैसे ही मिड से ये थर्ड में आती है, तो यहाँ पे आपने कैंची के निशान पे किया और स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक कर दिया। फिर आपको जो अनवांटेड, हाँ यहाँ पर जैसे मिड से इधर आई, तो उसके बाद आपने फिर से इस पर डबल क्लिक किया, कैंची के निशान पे क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड। दोस्तों इस तरीके से तीन सेक्शन रेडी हो गए मेरे। अभी मान लो मुझे, जैसे ये फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन के बाद यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन पे आपने क्लिक किया, फर्स्ट सेक्शन के बाद अब यहाँ पे यहाँ से आपको कट करना है, तो आप अगेन कैंची के निशान पे ट्रिम राइट टू प्ले हेड। तो इस तरीके से दोस्तों आपके तीन सेक्शन हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेक्शन को ऐसे ही रखना है, अब जो सेकंड सेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये थ्री डॉट के निशान पे डुप्लीकेट एज अ लेयर आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, डुप्लीकेट एज अ लेयर को शिफ्ट कर देना है इधर दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरीके से वीडियो आएगी डुप्लीकेट एज अ लेयर की, तो आपको सिंपली इसको स्क्रीन साइज पे कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगेन
इस पे वीडियो पे क्लिक करना है। नाउ क्रॉप पे क्लिक करके इस तरीके से वीडियो को आप क्रॉपिंग करेंगे जितनी वीडियो आपको चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैंने वीडियो क्रॉप कर दी। अब वीडियो क्रॉप करने के बाद वापस से वीडियो को सिलेक्ट करना है और इसको सेकंड पोजीशन में लेके आना है। सेकंड पोजीशन में लाने के बाद दोस्तों, देन अगेन यू नीड टू डू, जब आपकी सेकंड पोजीशन एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद देन यू हैव टू क्लिक दिस सेकंड मार्क। ओके, उसके बाद आपको ये वाला जो सेकंड पोजीशन है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। सो दोस्तों, नाउ हम लोग थर्ड इस पे आते हैं। अभी जैसे मैंने ये थर्ड किया है, इसमें भी सेम यही प्रोसेस करना है आपको। डुप्लीकेट एज अ लेयर करना है, उसके बाद इसको शिफ्ट करके नीचे ले आइएगा आप। शिफ्ट करके फॉरवर्ड में ले आएंगे, तो ड्रैग करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अगेन इसको पिक्चर को फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद देन अगेन आपको थर्ड लेयर जो है इसको क्रॉपिंग करना है। जैसे जो आपकी थर्ड लेयर है उसको क्रॉपिंग करना है, तो यहाँ से आप क्रॉपिंग का ऑप्शन लेके इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर देंगे जितनी भी वीडियो आपको क्रॉप करनी है। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट करके क्रॉप कर दिया। नाउ आप इसको अब शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप शिफ्ट कर दोगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्ले करना है। देखिए, तो इस तरीके से आप एट द सेम टाइम थ्री स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों। सो इस तरीके से आप देख पाएंगे, इसमें आप डिसअपीयर भी देख सकते हैं कि जैसे जो भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए अभी सेकंड में थोड़ा डिसअपीयर है, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करके, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है अभी, दिस वन इज द फर्स्ट। सो दोस्तों, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी जो भी वीडियो जहाँ तक सेलेक्ट है, जैसे मेरी 10 सेकंड की सेलेक्ट थी, उसके बाद ये वीडियो को तीनों को इक्वलाइज करना होगा। तो आपने सेकंड को सेलेक्ट किया, अभी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डाल करके ट्रिम राइट टू प्ले हेड। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट थर्ड वन, फिर से सेम वही प्रोसेस, ट्रिम राइट टू प्ले हेड, और ये जो वाली वीडियो थी ये डिलीट कर दी। अभी तीनों इक्वल हो गई हैं। तो अब आप देखोगे, देखिए तीनों सेम मोमेंट पे आप देख पाएंगे कि सेम डुप्लीकेट में तीन सेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए इस तरीके से आप दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।